दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह के फैन हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों आयरलैंड के खिलाफ दूसरा T20 मैच रिंकू सिंह की बदौलत जीता भारत। तो उनकी धमाकेदार बल्लेबाजी को देख लेने के बाद सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग से लेकर रोहित शर्मा, धोनी, कोहली तक ने की ऐसी बड़ी मांग BCCI से की जानकर पूरा देश कर रहा है सलाम। तो दोस्तों आखिर रिंकू सिंह के लिए क्या बोले सभी दिग्गज, वो तो वीडियो में आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रिंकू सिंह, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैच की T20 सीरीज के 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जहाँ पहला T20 मुकाबला भारत ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत अपने नाम किया था। और यहाँ पहले मैच में मिली जीत के बाद अब भारत को दूसरा T20 मुकाबला जीतना बेहद ही जरूरी था और ये सीरीज उनके नाम हो जाती। और भारत ने यही किया क्योंकि दूसरे T20 में आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला उन्हीं पर हावी पड़ गया क्योंकि रिंकू सिंह ने यहाँ पूरा मुकाबला तब पलट दिया जब उन्होंने एक ही ओवर में छक्के चौकों की ऐसी बौछार कर दी। जो रिंकू सिंह 12 रन पर खेल रहे थे वो अगली 6 गेंदों पर 38 रन पर पहुंच चुके। और दोस्तों यहाँ पर रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 185 रन के स्कोर पर पहुंचाया और इस दौरान रिंकू सिंह ने 2 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 21 गेंदों पर 38 रन जड़े। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रिंकू सिंह के अलावा कोई भी बल्लेबाज इतनी तेज गति के स्ट्राइक रेट से खेला ही नहीं। यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने मात्र 58 रन बनाए तो वहीं शिवम दुबे 22 रन बना पाए और यहां भारत को 185 रन तक तो पहुंचा दिया था। और 186 रन के लक्ष्य के जवाब में जब आयरलैंड की टीम उतरी तो आयरलैंड की तरफ से मात्र एक बल्लेबाज था जिसने पूरी पारी संभाल कर रखी और 72 रन भी बनाए, लेकिन इसके बावजूद भी आयरलैंड की टीम को 33 रन से हार का सामना करना पड़ा। और दोस्तों ये 33 रन वही 33 रन है जो कि रिंकू सिंह ने अंतिम 2 ओवर में बनाए थे। तो ऐसे में दोस्तों रिंकू सिंह की ऐसी घातक बल्लेबाजी देख लेने के बाद दिग्गजों ने कई बड़ी मांगे BCCI से कर डाली है और ये मांगे सुनने के बाद तो पाकिस्तान के अंदर भी घबराहट पैदा हो गई है। हुआ ये है कि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला बड़ा बयान निकल कर आता है इरफान पठान का, जो कहते हैं कि रिंकू सिंह से तो हमें पहले ही उम्मीद थी कि वो आयरलैंड में जाकर जरूर कमाल का प्रदर्शन करेंगे और उन्होंने जो प्रदर्शन किया है पहले ही मैच में वो देखने के बाद तो मुझे लगता है कि उनको वर्ल्ड कप और एशिया कप में बिना सोचे समझे ही मौका दे देना चाहिए। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में, जो अगला बयान निकल कर आता है वो है सुनील गावस्कर का, जहां सुनील गावस्कर कहते हैं कि रिंकू सिंह एक अच्छा बल्लेबाज है और उसने इस साल जो प्रदर्शन किया है वो देखकर मुझे लगता है कि ये टीम इंडिया का नया उभरता सितारा है और इस सितारे को इस बार एशिया कप और वर्ल्ड कप में जरूर BCCI को मौका देना चाहिए। तो वहीं दोस्तों सुनील गावस्कर के इस बयान के बाद फिर तुरंत वीरेंद्र सहवाग ने भी अपनी राय दी और उन्होंने बोला कि रिंकू सिंह एक T20 प्लेयर है और उसको एक बार जरूर आजमा लेना चाहिए ताकि वनडे में वो अच्छा प्रदर्शन कर भी पाएगा या फिर नहीं, लेकिन अगर वो वनडे में भी ऐसे ही खेल दिखाए तो भारतीय टीम आसानी से इस बार एशिया कप तो अपने नाम करेगी ही और साथ में वर्ल्ड कप भी भारत के ही खाते में जाने वाला है। तो वहीं दोस्तों यहां पर BCCI से बड़ी मांग वीरेंद्र सहवाग ने भी कर डाली। तो वहीं आगे बढ़ते हुए अगला बयान निकल कर आता है सचिन तेंदुलकर का, जहां सचिन तेंदुलकर भी रिंकू सिंह की बल्लेबाजी के खूब दीवाने हो गए और कहा कि रिंकू सिंह जैसे छक्के तो भारत की तरफ से अब लगाने वाला कोई भी बल्लेबाज बचा नहीं है। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, जो है महेंद्र सिंह धोनी का, जहां महेंद्र सिंह धोनी ने भी रिंकू सिंह को टीम इंडिया की तरफ से एशिया कप खिलाने की मांग की और धोनी ने तो ये तक कह दिया कि पाकिस्तान के ही खिलाफ रिंकू सिंह को पहला वनडे मुकाबला खिला देना चाहिए। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते हुए रोहित शर्मा के बारे में, तो रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने मिलकर भी BCCI से यही मांग की है कि रिंकू सिंह अब हमें अपनी टीम में चाहिए। तो दोस्तों यहां पर रिंकू सिंह तो अब लगता है कि एशिया कप में खेलेंगे जरूर। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि रिंकू सिंह को क्या एशिया कप में खिलाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।